गोंडा बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक गरीब को अस्पताल में 4 दिनों तक भर्ती रहने के बाद पैसे के अभाव में ना तो समुचित इलाज मिला और ना ही घर जाने के लिए एम्बुलेंस। उसके पास पैसे भी नहीं थे तो बेटे ने पिता को कंधे पर लाद कर अस्पताल से करीब 30 किलोमीटर दूर कर्नलगंज पैदल अपने घर के लिए चल पड़ा। हालांकि बस स्टॉप पहुंचने पर कुछ समाज सेवियों द्वारा उससे पैसे देकर टेम्पो से उसके घर भिजवाया गया। गरीब मृत को पैसे के अभाव में ना इलाज ना एम्बुलेंस, लिखा बाहर की दवाई। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पताल में गरीबों को बिना जेब ढीली किए इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस बात की पोल तब खुल गई जब कर्नलगंज के तहसील के हलधर मऊ ब्लॉक निवासी शिव भगवान अपने वृद्ध पिता जीव बोध 72 वर्ष, जिन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत थी, करीब 4 दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज पर इलाज कराया। कोई आराम न मिलने पर वहां के अधीक्षक से इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 20 मई को शिव भगवान ने अपने पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि वहां पर वार्ड में तैनात नर्स द्वारा फाइल बनाने के नाम पर 100 रुपए की मांग की गई। पैसा न होने के कारण वह नहीं दे सका तो उसे डेंगू वार्ड में डाल दिया गया। इस दौरान नर्स द्वारा उसे बाहर से 2 इंजेक्शन मंगाने के लिए कहा गया तो उसने किसी तरह 590 रुपए का बाहर से 2 इंजेक्शन मंगवाया। 4 दिनों में सिर्फ वही 2 इंजेक्शन लगाकर अस्पताल से कोई भी दवा नहीं दी गई। पैसा ना मिलने से नाराज नर्स बार बार वृद्ध को लखनऊ रेफर करने की बात कहती रही। पीड़ित गरीब नर्स के सामने गिड़गिड़ा रहा, पैसे नहीं है, कैसे लखनऊ लेकर जाएं। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों को इस गरीब पर जरा सी भी दया नहीं आई। इस दौरान वृद्ध दर्द से चिल्लाता रहा, बेटा अस्पताल कर्मचारियों को पैसे ना होने की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने बेटे की बात नहीं सुनी। इलाज के अभाव में वृद्ध का खाना पीना भी बंद हो गया। पिता की हालत अत्यधिक नाजुक होने पर उसने कहा कि साहब, जब इलाज नहीं हो रहा है तो मेरे पिताजी को एम्बुलेंस से घर भिजवा दीजिए। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों को लाती है, वापस छोड़ने नहीं जाती है। तुम जैसे कि चाहो इनको घर ले जाओ, यहां से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बेटे को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने पिता को कंधे पर लाद कर 30 किलोमीटर दूर पैदल चलने का निर्णय लिया। बस स्टॉप से कर्नलगंज रोड पर पैदल कंधे पर लाद कर जाते वृद्ध को देख कुछ समाज सेवी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने उससे रोक कर पूरे हालात का जायजा लिया तो बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों के कारनामों की पोल खुल गई। यह बात जब मीडिया कर्मियों द्वारा सीएमओ राधेश्याम केसरी को बताई गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से बात करने की सलाह दे डाली। जब सीएमएस को फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। मीडिया के लोगों द्वारा यह सारी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर जब सीएमएस इदूवाला को पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया कि अभी एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, वह अपने वृद्ध पिता को कंधे पर लाद कर ले जा रहा था, उसने अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, ना तो उसे एम्बुलेंस दी गई ना ही डिस्चार्ज का पर्चा दिया गया। दवा बाहर से लिखी गई तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अभी हमने वार्ड इंचार्ज से पूछा था तो उन्होंने बताया कि वह मरीज अपने आप ही चला गया है। हम इसकी जांच करेंगे कि मरीज अस्पताल से गया तो रजिस्टर पर एंट्री क्यों नहीं की गई, समय क्यों नहीं लिखा गया। यह पूछे जाने पर कि उसका आरोप है कि उसे बाहर से दवा लिखी गई तो उन्होंने यह कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसे मेरे पास आना चाहिए। कुल मिलाकर अधिकारी एक रटा रटाया जवाब देते हैं कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन आज तक जांच की आंच किसी भी कर्मचारी पर नहीं आई। यह जरूर है कि अस्पताल कर्मचारियों की ऐसी हरकत सरकार की साख को बट्टा लगा रही है। भगवान एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, एम्बुलेंस पैसा पैसा कहेंगे पैसा हमारे पास इतना पैसा है नहीं। किसने पैसा मांगा? वो पैसा कोई नहीं मांगा, नहीं क्या कोई कर नहीं रहा था क्या। आपने एम्बुलेंस को फोन किया, इसको कहाँ कंधे पर क्यों लेकर आए? क्या करूँ सरकार, पैसा हमारे पास है नहीं तो क्या करूँ। एम्बुलेंस का पैसा नहीं पड़ता है, एम्बुलेंस वापसी ले जाएगी तो पैसा लेगा, वापसी जाना जाएगी तो पैसा लेगा, तो क्या करूँ सरकार। फोन आपने किया? फोन हमारे पास मोबाइल है नहीं तो क्या करूँ। क्यों इसलिए नहीं किया कि वो पैसा लेंगे? हाँ। क्या करूँ सरकार, पढ़े लिखे हैं नहीं सरकार। अस्पताल में इलाज कराया? अस्पताल में इलाज जहाँ कागज लिए नहीं। दवा ठीक ठाक हुई? हाँ, दवा हो रहा सरकार, लेकिन क्या है, दवा सही नहीं हो रहा सरकार। अच्छा, दवा में क्या है कि बाहर का लेके रहते हैं उतना हमारा उपकार नहीं, 1 बीघा खेत है हमारे सरकार हमारे पास। नाम क्या है आपका? हाँ, नाम से भगवान शुक्ला। पिताजी का क्या नाम है? विभोर शुक्ला। तो वहाँ इलाज अस्पताल में सही नहीं हुआ, वहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर, यहाँ से कहते हैं लखनऊ लेके जाओ। दोनों पैसे विकलांग हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों पैसे विकलांग हैं,
है, लखनऊ लेके जाओ। अभी क्या बोल रहे हैं, लखनऊ लेकर जाओ, क्या कर सकता है। डॉक्टर, एक वृद्ध आपके हॉस्पिटल में भर्ती था डेंगू वार्ड में, और उसको हम लोगों ने कंधे पे लाद के उसके लड़के द्वारा ले जाया गया है यहाँ से करते 2 किलोमीटर तक। उसके बाद में टैक्सी किया है, टैक्सी गया है, वो एम्बुलेंस मांगा, उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई, वो डिस्चार्ज का पेपर मांगा नहीं दिया गया, उसको बाहर से दवा भी लिखी गई। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, मैंने अभी अभी आप जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे, मैंने जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनसे हमने बुला के पूछ लिया है, सिस्टर इंचार्ज कह रही हैं कि वो वृद्ध जो है अपने आप यहाँ से चला गया है बिना डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कुछ भी लिए हुए। अब हम इसकी जानकारी और करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि आखिर वो ऐसे कैसे चला गया, है ना। उन्होंने एब्सकॉन्ड लिखा कि नहीं लिखा, उसके एब्सकॉन्ड होने के बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सारी जांचों को करेंगे हम। नहीं, मैं उसका आरोप है कि उसको बाहर से दवा भी लिखी गई है। बाहर से दवा तो देखिए हमारे पास तो आया नहीं, एटलीस्ट वो हम यहाँ बैठे इस चेयर पे, तो अगर बाहर से दवाई लिखी थी तो वो एक बार आता हमारे पास, है ना, कि हमारे लिए हमारे हमको दवाई बाहर से लिखी गई। एम्बुलेंस भी उसको नहीं दी गई, कंधे पर लाद के अपने पिता को ले गया। जब वो एब्सकॉन्ड हो गया, जब किसी की जानकारी में नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से मिल जाती, बताइए। वो उसको बताना चाहिए था कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, वो यहाँ आता मेरे पास। सिस्टर का कहना है वो बिना बताए चला गया हमारे अस्पताल, जो सिस्टर इंचार्ज उनको मालूम ही नहीं है कि पेशेंट कहाँ चला गया। नहीं, सिस्टर इंचार्ज को तो ये भी नहीं पता है मरीज कै बजे गया, वो अभी कह रही है, जबकि 1.5 घंटा पहले यहाँ निकला है, 2 घंटा पहले। उनसे हमने पूछा है, उन्होंने बोला कि पेशेंट अपनी मर्जी से चला गया, अभी टाइम की जानकारी मैं देखूँगी उनकी पेशेंट में, कब तक वो पेशेंट था।